नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ बाबा अजगैबी नाथ के पास, जो कि ये देख सकते हैं ये पूरा घाट बाबा अजगैबी नाथ घाट, जिसे श्री घाट भी कहते हैं, जो कि एक टाइम में ये पूरा पानी का लेयर जो था वो सबसे नीचे था, यानी कि जो बहुत सारे दुकानें आपको दिख रहे होंगे वो मंदिर के नज़दीक था। और अभी पानी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पूरी तरीके से भर चुका है, और जो कांवड़िया हैं वो अब यहाँ पर नहाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो है वो पूरा नीचे था तो वहाँ पे लोग नहाते थे और वहाँ पे बहुत सारे चौकियाँ थे, बहुत सारे दुकानें थे, लेकिन पानी भरने के कारण अब सारे जो है लोगों का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, चूँकि अलग अलग जगह पे लोग चले गए हैं। हालांकि पूरी तरीके से यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग किया गया पीछे के लोकेशन में, जो कि आप देख सकते हैं जो बम नहा रहे हैं वो इसके आगे नहीं जा सकते, इसके अंदर ही नहा सकते, और लगातार जो है वो NDRF की टीम हो या लोकल टीम जो बनाया गया प्रशासन के द्वारा, उनके द्वारा जो है देखरेख भी किया जा रहा है कि कोई बम इस बैरिकेटिंग के आगे ना जाए। अभी आप देख सकते हैं सावन चालू हो चुका है, जिसके कारण से काफी ज्यादा भीड़ है, पूरी तरीके से जनसंख्या भरा पड़ा है, और अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, और साथ साथ में वो जो है अपनी अपनी पूजा अर्चना। इधर ध्यान दीजिए आप, उधर मत। तो देखिए यहाँ पे कुछ बम भी है, उनसे जान लेते हैं कि कहाँ से आए और क्या क्या बम, कहाँ से आए बम जी? झरिया से। झरिया, कैसा व्यवस्था? ठीक है, बहुत व्यवस्था ठीक है। अभी सावन में पूरा भीड़ चल रहा है, बहुत है भी। तो आप लोग पहले नहीं आ पाए? पहले मलमास चल रहा था इसलिए नहीं। कितने लोग आए? हम सब 8 आदमी हैं। अभी यहाँ से स्टार्ट कीजिए। हाँ, पूजा कर रहे हैं। हाँ, पहले संकल्प नहाएंगे, संकल्प कराएंगे, इसके बाद उठाएंगे, चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब आप आएंगे घाट पे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको संकल्प करवाना पड़ता है, जो कि स्थानीय पंडित जी यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत सारे, और उनके द्वारा जब आप संकल्प करवाएंगे तत्पश्चात आप जो है यहाँ से जल उठा के और फिर यहाँ से पैदल यात्रा का प्रारंभ करते हैं लोग। तो जगह जगह पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कांवड़िया जो है वो लगातार आ रहे हैं। हम भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा अंदर ले जाके, देखिए कितने सारे ये जो पानी का जल देख सकते हैं काफी तेज और काफी आगे आ चुका है। नहा लिए बाबा? हाँ, नहा लिए। आप पूजा कीजिएगा? हाँ, पूजा करेंगे, जल जल उठाएंगे, पूजा करेंगे, फिर बाबा धाम का लिए रवाना हो। तो देखिए यहाँ पे पंडित जी भी है, कैसा चल रहा भीड़ बाबा? अभी भीड़ दो दिन ठीक था, समझ गए। और आज जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, आज शनिवार था इस कारण है। ज्यादा लोग शनिवार को आते हैं, चूंकि सोमवार को चढ़ाना होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग जो है बृहस्पति और शुक्रवार को आते हैं। पैदल जाने में 4 दिन लगता है, किसी को 3 दिन लगता है, शनिवार को थोड़ा डाउन हो जाते हैं, फिर कल जो है डाक बम का भीड़ रहेगा, समझ गए। उसके बाद सोमवार तो बाबा भोला का भयंकर भीड़ रहता है। अभी दूसरा सावन में भीड़ पूरा चल रहा है? हाँ, दूसरा सावन में तो भीड़ शुरू हो गया। पानी कब से भर चुका है इतना? पानी का यहाँ आए हुए 9 दिन हुआ है। पहले तो पूरा नीचे था? पहले नीचे उस झोपड़ी के नीचे, उस साइड जो है मंदिर के पीछे साइड पूजा होता था, अभी जो है। तो जितने भी यात्रा करते हैं लोग सबसे पहले यहाँ पे संकल्प करवाते हैं, है ना पंडित जी? हाँ। तो संकल्प करवाना क्यों जरूरी है, और क्यों कुछ लोग ऐसे भी चले जाते हैं या सारे लोगों को संकल्प करवाना पड़ता है? यहाँ गंगा किनारे पंडा ही उसका साक्षी होता है कि आपने अपना जल जो भरा, पद यात्रा जा रहे हैं कि वाहन यात्रा जा रहे हैं कि जो है आप डाक जल लेके जा रहे हैं कि डंडी जल जला, जैसे जो लेके जाता है उनका उस प्रकार यहाँ संकल्प उनको दिया जाता है, समझ गए। इसीलिए संकल्प करवाना जरूरी है। तत्पश्चात यहाँ से फिर देवघर में भी वो संकल्प करवाते हैं? देवघर में अभिषेक होता है, वहाँ जाने के बाद सिर्फ जल चढ़ाना है, वहाँ भी संकल्प जो है थोड़ा मात्र उनका नाम लिया था, मेन संकल्प यहीं पे होता है, समझ गए। यहीं पे सबको जल भरते हैं और बाबा का ध्यान लगा के जाते हैं बाबा भोले। तो देखिए अलग अलग बम यहाँ पे पहुँच। हाँ, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम दीपक पांडे, सुल्तानगंज। कहाँ पे आप रहते हैं? ये श्री घाट। हाँ, ये श्री घाट हुआ, बाबा अजगैबी घाट, जाह्नवी घाट, उत्तर वाहिनी गंगा तट, समझ गए। हाँ, हमें मिलेंगे। हाँ, हमें ही मिलेंगे। तो कोई भी अगर आना चाहते हैं और अगर आपके पंडित जी नहीं है तो आप इनसे पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं ना? ठीक है, दीपक पांडे, सुल्तानगंज, गोपाल रोड, विसारी स्थान। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले संकल्प करवाना पड़ता है, क्योंकि संकल्प ही एक पंडित जी के द्वारा जो है वो साक्षी माना जाता है, और तत्पश्चात यहाँ से जो है अपनी संकल्प करवा के पद यात्रा जो है वो प्रारंभ करते हैं। अलग अलग लोग आते हैं, कुछ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, कुछ डाक बम। डाक बम वाला ज्यादातर कब आते हैं? शनिवार को। रविवार को आते हैं? रविवार। शनिवार को आते हैं, रविवार को जल उठाते हैं, समझ गए। हम लोग यहाँ लाल मोहरिया के नाम से जाने जाते हैं, पूरे नेपाल का पंडा जी हुआ। नेपाल का पूरा अभी? पूरे नेपाल, पूरे नेपाल का मेचिस महाकाली था, सप्तरी मोतरी बारह प्रसाद धनसा सलाई मोरे सब जिला, पूरे नेपाल का पंडा मेचिस महाकाली। तो अभी ये पूरा चलेगा सावन तक? हाँ, सावन तक, पूर्णिमा तक पूरा भी रहेगा,
उसके बाद धीरे धीरे भादों में कम हो जाएगा। अभी यहाँ व्यवस्था ठीक है ना स्थानीय पुलिस के द्वारा? हाँ व्यवस्था ठीक है, स्थानीय पुलिस द्वारा जो भी व्यवस्था है सब ठीक है। चलिए तो ये है, देखिए इस तरीके से पूजा अर्चना होता है यहाँ पे। देखिए कावड़ को सजा के लोग आते हैं, तत्पश्चात यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं। ये जल को देख सकते हैं, जल को बांध भी लिए हैं और यहाँ से ये माता जी फिर जल लेके फिर निकलेंगे। अभी कहाँ से आया बाबू? बलरामपुर ले। कहाँ पड़ता है? यूपी। यूपी अगड़ेरता रोहतास जिला। अच्छा, तो कैसा अभी पैदल जाओगे? हाँ। वहाँ तक देवगढ़ तक? हाँ। जल उठा लिया? हाँ। तो देखिए पैदल छोटे छोटे बम भी आते हैं। आप कहाँ बाबा यहीं रहते हैं? हम लोग हम गिरिडीह से हैं, लेकिन सावन भादों में 2 महीना यहाँ पे हम लोग जल संकल्प के लिए आते हैं। लाल मोहरी डेम कहाँ से? गिरिडीह में हम लोग यहाँ पे देवरी प्रखंड पड़ता है हम लोग का। देवरी? हाँ वहीं से। हाँ वहीं से। बहुत बहुत बढ़िया, हम भी गिरिडीह से इसीलिए आपको पूछ रहे थे। हम लोग का बांसडीह पंचायत है, सांखो गांव मतलब। तो अभी चल रहा है बाजार? ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, भीड़ चल रहा है? अभी 2 दिन से भीड़ चल रहा है, 3 दिन से। पहले कुछ भी नहीं था मतलब जो है, अभी भीड़ चल रहा है, सीमित था पहले, अभी ज्यादा चल रहा अभी ज्यादा है। तो अभी ज्यादा भीड़ चल रहा है और लगातार जो है कांवड़िया देख सकते हैं साफ सफाई होता है। और इसी के बगल में जो है आरती का आयोजन होता है शाम को, जो कि ये पूरा लोकेशन को सजा दिया जाता है जहाँ पे आरती का प्रोग्राम होता है रात को। 2 जगह पे सुल्तानगंज जब आप आएंगे तो आरती 2 जगह पे होता है। एक तो आपको नमामि गंगे घाट में मिल जाएगा और दूसरा जो आपका लोकेशन पड़ेगा ये पड़ेगा आपका श्री घाट में, जहाँ पे आरती रात्रि 8:30 या 7:30 से जो है वो प्रारंभ होता है, चालू होता है। तो लगातार जो है देखिए कांवड़ को इस तरीके से, कांवड़ को इस तरीके से लोग ले जाते हैं। कहाँ से आए बम जी? बम जी रोहतास जिले से आए। रोहतक? रोहतास जिला। रोहतास जिला। हाँ। कैसा ठीक है ना? अच्छा रहा ना? हाँ अच्छा रहा। पूजा उजा हो गया? हाँ पूजा। यहाँ से निकलिए? यहाँ से निकलिए पैदल? हाँ पैदल। कितने लोग हैं? हम लोग का 70 आदमी है। 70? हाँ बस में 70 लोग आए। हाँ 70 लोग आए बस में। कहाँ? यहाँ अलग अलग जगह? अलग अलग जगह सब उतार अलग अलग घाट में। हाँ हाँ हाँ। यहाँ भी कितने लोग हैं? यहाँ कितने? हमको 30-30 है। तो कितने सालों से आ रहा है? सब बहुत साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं। देखिए पुराने लोग भी आते हैं, 15 साल से ही आ रहे हैं, जो कि 70 लोग आए हैं। तो ऐसे करके अलग अलग कैसे आए आप लोग? बस से? बस से आए हैं। बस से जाइए? हाँ बस। पैदल यात्रा फिर देवघर? हाँ, से बस, और बस ले जाएंगे। देवघर से बस लेके फिर वो जाएंगे। अच्छा, दो दूरी तक जाएंगे बासुकीनाथ भी? हाँ हाँ बासुकीनाथ चलेंगे। तो देखिए यहाँ से ये लोग सारे लोग जाएंगे और फिर पैदल यात्रा करके वो बासुकीनाथ के लिए भी जाएंगे। तो लगातार भीड़ को आप देख सकते हैं और जगह जगह पे जो है व्यवस्था भी की गई है। उधर दूर में देखें तो उधर भी देखिए पूरी तरीके से भरपूर है जो कि दूर में। और यहाँ पे आपको पूजा पाठ के लिए सामान भी मिल जाएगा जगह जगह पे, जो है फूल वगैरह लेना हो या फिर कांवड़ में सजाने के लिए कुछ लेना हो या फिर आपको यहाँ पे मिट्टी वगैरह लेना हो जो कि लगाते हैं उसको। मिट्टी भी देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब कांवड़ जब आप सजाएंगे ना तो देखिए आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ ले रही देखिए कांवड़ को जब आप सजाएंगे ना यहाँ पे कांवड़ को, तो सबसे पहले देखिए ये कांवड़ पूरा रहता है और कांवड़ के बाद एक जो है बोतल इधर रहता है जिसमें से गंगा जल को लेते हैं लोग और इसको जो है पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग कर देते हैं मिट्टी वगैरह कपड़े वगैरह लगा के और टाइट तरीके से बांध के और दोनों साइड पे रखते हैं, एक बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए, दूसरा जो है आपका रखते हैं वो जब बासुकीनाथ जाते हैं तब। और ये पूरा कांवड़ होता है जहाँ पे अगरबत्ती जलाया जाता है, संकल्प किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। कुछ लोग एक्स्ट्रा भी जल को ले लेते हैं ताकि रास्ते में ज़रूरत हो और फिर ये कांवड़ लेके फिर वो यहाँ से जो है प्रस्थान करते हैं अपना उधर की ओर। तो देखिए और भी यहाँ पे हैं लोग, उनसे जान लेते हैं कहाँ से हैं और क्या क्या। ठीक चल रहा ना बाबा? बढ़िया बढ़िया। भीड़ चल रहा है जी? भीड़ चल रहा है। देखिए सभी पंडित जी जो हैं वो पूरा खुश हैं और भीड़ जो है वो लगातार चल भी रहा है और लगातार जो है। कहाँ से आए बम जी? पटना। पटना कैसा है सब व्यवस्था यहाँ? ठीक है, अच्छा है। तो अभी यात्रा आप लोग प्रारंभ करेंगे क्या? अभी हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। अभी करने जा रहे हैं। कितने लोग आए सर? हम लोग टोटल 4 आदमी हैं। तो पैदल यात्रा रहेगा? कैसा रहेगा? पैदल यात्रा नहीं हूँ मैं, तो कैसे गाड़ी से? मैं अपना खुद व्हीकल लेकर के आया हूँ। व्हीकल लेकर? तो व्हीकल में कितने दिन में पहुँच जाते हैं? एक दिन काफी होता है। हाँ। तो उसका अलग रूट है ना? हाँ उसका अलग रूट है। तो उसी में आप लोग जाते हैं? उसी रूट फिर वहाँ बासुकीनाथ भी जाते हैं? बासुकीनाथ जाते हैं जब अगर बाबा देवघर जब गया और बासुकीनाथ ना गया तो पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं बना। देखिए तो जब भी अधिकतर लोग जब भी आए भी बम जी कहाँ से? हम साथ में बाइक से? नहीं गाड़ी से। कहाँ से? हम नेपाल से। कैसा आप कितने दिनों से आ रहे हैं? हम बोलबम लगभग 2016 से आ रहे हैं। हर एक साल? इस बार कैसा है? इस बार तो ठीक है, भीड़ भी अच्छा है। हाँ भीड़ इस बार तो ठीक है, हम सोमारी चढ़ाते थे मगर इस बार सोमारी नहीं चढ़ाएंगे। पानी भी भर गया? हाँ पानी तो एकदम पूरा भर गया है।
अभी रात को ही निकली है, सुबह निकले? नहीं, अभी जल उठा लिए, संकलम करके हम लोग निकल जाएंगे, सुबह पहुँच जाएंगे। हाँ, सुबह मतलब वही 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो रुकते हुए सारे लोग जाते हैं, चूँकि गाड़ी से भी जो है यात्रा वो करते हैं लोग, और फिर जो है पैदल यात्रा भी करते हैं। तो जगह जगह पे आपको अलग अलग बम दिखेंगे, और अलग अलग तरीके से सभी लोग जो है वो एंजॉय भी करते हैं। ये देखिए, यहाँ पंडित जी जो है ना, पहले संकल्प किया जा रहा है, ये पूरा संकल्प होगा, उसके बाद फिर ये जो है यहाँ से प्रारंभ करेंगे। संकल्प हो रहा, दिखा दीजिए थोड़ा सा। देखिए, इस तरीके से संकल्प होता है। ये पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं, ये संकल्प का है, जहाँ पे जब आप आएंगे। कहाँ से हैं बम जी? उड़ीसा संबलपुर से बम जी। कितने लोग आए आप लोग? 21 जन आए हम लोग बम जी। तो अभी संकल्प करवा रहे हैं? अभी संकल्प चल रहा है। तो कैसे पैदल यात्रा करेंगे? पैदल यात्रा पूरा, पैदल यात्रा। देखिए, 21 लोगों का इनका जलथा आया हुआ है, जो कि उड़ीसा से है। बोल बम, बोल बम, इधर देखो उड़ीसा, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, उधर भी कीजिए, हमारा एक ग्रुप वहाँ 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 नीचे, ये बोल बम। तो ये पूरा उड़ीसा टीम है, जो कि अभी यहाँ पे श्री घाट जिले से। कितने सालों से हमारे तो पूर्वज भी आते रहे, हम कंटिन्यू चला रहे हैं, हमारा संस्था चल रहा है 40-45 साल से पूरा। तो ऐसे पुराने पुराने लोग आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, जब आप आएंगे बाबा धाम की नगरी के लिए, जब आप प्रस्थान करेंगे। ये पूरा घाट देखिए, पूरा भरा पड़ा है, यहाँ से वहाँ तक ना आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, चारों तरफ से अलग अलग लोग। देखिए, यहाँ पे और भी बम लोग हैं, जो कि ये भी कुछ कर रहे हैं, ये भी जल भाड़क। कहाँ से आए बम जी? पटना से। तो अभी आप लोग यात्रा चालू कीजिए, कावड़ यात्रा, पैदल रहेगा? हाँ, पैदल जाना। कितने लोग हैं आप लोग? 8 आदमी हैं। देखिए, तो ये 8 लोग हैं, ये लोग भी आए हैं। तो अलग अलग लोग आपको दिखेंगे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, जगह जगह से लोग आते हैं। और इसमें जो है छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग और सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, वाशरूम की भी सुविधा दी गई है, जो कि इधर चेंजिंग रूम बनाया गया, और साथ साथ में वाशरूम की व्यवस्था दी गई है, जो कि श्री घाट में आपको यहाँ पे मौजूद मिल जाएगा। और लगातार पंडित जी के द्वारा जो है लगातार जो है वो पूजा अर्चना भी किया जा रहा है। पूरा जल स्तर जो है इसका भर चुका है। देखिए, अगर हम इधर दिखाएं ना, तो ये देखो आप नीचे आके दिखाएं, तो देखिए ये पूरा जल जो है ना भरा पड़ा है। ये देखिए कितना ज़्यादा भरा पड़ा है, पूरा जो है लेयर ना भर चुका है। उधर दिखा दीजिए, अजगेवीनाथ बाबा, अजगेवीनाथ, ये देखो आप बाबा अजगेवीनाथ। सामने के लोकेशन में मंदिर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए इस पुल से आपको गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ पे भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियोस को यहीं पे क्या करें, अंत करते हैं, आगे कुछ और लोगों से ले ले रहा है। तो देखिए यही है भैया, हाँ, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियोस को यहीं पे अंत करते हैं। और ये सारी व्यवस्था थी, यहाँ से आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, और तत्पश्चात आप बाबा वैद्यनाथ धाम प्रवेश कर सकते हैं। पूरा कावड़ यात्रा का टूर का वीडियो हम लोगों ने बनाया है, जो कि हमारे चैनल में Day 1, Day 2, Day 3 जिस तरीके से आप सफ़र करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पर खाएँगे, कहाँ पर आपको फ्री में भोजन मिलेगा, पूरी व्यवस्था के साथ में हमने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं चैनल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।